हल्द्वानी में सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के पास सड़क हादसा हुआ है, जहां दो कार आपस में टकरा गई, जिसके बाद कार मेडिकल स्टोर की दीवार में जा घुसी। इस हादसे में कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए सुशीला तिवारी हॉस्पिटल ले जाया गया। जानकारी के अनुसार कार नाबालिग बच्चे चला रही थी, जिसके चलते वह कार अनियंत्रित हो गई और टकरा गई। फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है और जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। एसपी सिटी का कहना है कि पुलिस द्वारा दोनों गाड़ियों की जानकारियां जुटाई जा रही है और घटना के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए जा रहे हैं। अगर नाबालिग बच्चे गाड़ी चला रहे होंगे तो उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये मेडिकल चौकी क्षेत्र में 112 पर यह सूचना मिली थी कि दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है। उसमें हमारा फोर्स मौके पर गया था, उनके द्वारा मौके पर जाकर गाड़ियों का नंबर नोट किया गया है और गाड़ियों के नंबर के आधार पर, एक कांस्टेबल गए थे तो गाड़ियों के नंबर के आधार पर उनका कौन ओनर है उसका नंबर निकाला जा रहा है और उसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अगर ये पाया जाएगा कि किसी गाड़ी को कोई नाबालिग बच्चा चला रहा था तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।